3D में होने वाले टीवी मैन वर्सेस अग्गी बग्गी की फाइट, और हम बन चुके हैं टीवी मैन। आज हम टीवी मैन बनकर खत्म करने वाले हैं अग्गी बग्गी को। तो गाइस यार, आज तो और ही ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि भाई आज रेलवे पर बहुत ज्यादा काम था भाई। मेरे को अपने ड्यूटी का टाइम चेंज करना होगा भाई, वरना मैं रात को यार ऐसे आऊंगा जाऊंगा तो मेरे को थोड़ा सही नहीं लगेगा। तो गाइस टाइम देखते हैं, टाइम कितना हो गया भाई। टाइम तो ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो गया गाइस। गाइस 12:14 हो चुके हैं भाई। कल से अपने बॉस से मना कर दूंगा भाई, टाइम चेंज कर दे भाई, वरना अरे भाई गिर गया यार, पटरी के अंदर पैर आ गया गाइस मेरा। उठते हैं और चलते हैं घर की तरफ पैदल पैदल, क्योंकि गाइस मेरी बाइक सर्विस पर गई गाइस। मेरे को रात में बहुत डर भी लगता है, और गाइस अंधेरा भी हो रहा है गाइस बहुत सारा, और भाई रात में कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी क्योंकि गाइस टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। ये क्या गाइस, हमारे शहर में अग्गी बग्गी आ गया भाई। भाई ये हमारे शहर में कैसे आ गया भाई, अब तो ये हमारे पूरे शहर को तबाह कर देगा। हम तो भागते हैं भाई, वरना ये हमको भी मार देगा भाई। बहुत तेज तेज भागना पड़ेगा, क्योंकि गाइस भाई वो बहुत बड़ा है गाइस, वो मेरे को मार देगा। वो भी बहुत तेज भाग रहा है गाइस, वो मेरे पीछे पड़ रहा है। एक तो गाइस हमारी बाइक सर्विस पर गई हुई है, और गाइस हमको ऊपर से कोई भी टैक्सी भी नहीं मिल रही भाई। अब तो घर भाग भाग कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे पीछे तो भाई ये अग्गी बग्गी पड़ा हुआ है ना। और गाइस रात में कोई हेल्प के लिए गाड़ी भी नहीं रोकता, तो मैं किसी से हेल्प मांग लूं। गाइस भाग भाग कर ही चलते हैं घर की तरफ। गाइस मैं भाग भाग कर घर पर आ चुका हूं, और गाइस मेरे पीछे भाई वो अग्गी बग्गी पड़ गया भाई। पता नहीं वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर था गाइस, वो कहां से आ गया था। और गाइस हमारी टमटम बाइक भी सर्विस से आ चुकी है भाई, इसको छोड़ते हैं भाई, अंदर चलते हैं सोने के लिए भाई। रात से पहले मेरे साथ इतना खतरनाक सीन कभी नहीं हुआ, गाइस जल्दी से सोते हैं। गाइस मैं आपको मिलता हूं सुबह। तो गुड मॉर्निंग गाइस भाई, मेरे को रात की बातें सोच सोच कर इतना डर लग रहा है, क्योंकि गाइस आज से पहले मेरे साथ ये सीन कभी नहीं होगा। इस वो रात का जो सीन था भाई, वो बहुत खतरनाक सीन था। गाइस पता नहीं वो अग्गी बग्गी मॉन्स्टर हमारे शहर में कहां से आ गया। ऐसे ऐसी चीजों के बारे में सिंचन को बहुत पता रहता है गाइस, वो डेली न्यूज देखता है। उसको कॉल करके पूछता हूं, सिंचन हमको अग्गी बग्गी की पूरी डिटेल दे देगा। हेलो हेलो हेलो, कौन? अरे सिंचन भाई यार, तू मेरे को इतनी जल्दी भूल जाता है। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप वो भैया, मैं स्कूल का होमवर्क कर रहा था, स्कूल का होमवर्क करते समय सब चीज भूल जाता हूँ। अच्छा, अरे सिंचन वो मैं तेरे से ये पूछ रहा था, तुझको अग्गी बग्गी की डिटेल्स पता है? क्यों भैया, आप क्या करेंगे अग्गी बग्गी की डिटेल्स लेकर? अरे सिंचन वो रात को अपनी ड्यूटी से आ रहा था, फिर एकदम से मेरे सामने अग्गी बग्गी आ जाता है, मेरे पीछे पड़ जाता है, बट मैं बहुत तेज तेज भाग रहा था इसलिए वो मेरे को पकड़ नहीं पाता। भाई मैं डेली रात को अपनी ड्यूटी से आता हूँ, पता नहीं वो मेरे को कब पकड़ ले और मेरे को कब मार दे, इसलिए तेरे से उसकी डिटेल्स पूछ रहा था। अरे भैया, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझको बताया भी नहीं। सिंचन वो मैं रात को घबराया हुआ था, तो इसलिए बता नहीं पाया। जल्दी से मेरे को अग्गी बग्गी की डिटेल्स बता। ओके भैया, बता रहा हूँ। भैया उसका साइज 11 फुट है, और भैया जो बंदे रात में पैदल डोलते हैं वो उनको मार देता है। तो सही है भैया, आप बहुत तेज भाग रहे थे तो आप बच गए, वरना भैया वो किसी को छोड़ता नहीं, वो हर एक किसी को मार देता है। गाइस मैंने अग्गी बग्गी की डिटेल जान लिया सिंचन से, और गाइस मैंने सिंचन से पूछ लिया हमको अग्गी बग्गी को कैसे मारना है। सिंचन कह रहा था पहले तो हमको टीवी मैन का सूट पहनना पड़ेगा, सूट वो हमको मिलेगा एक मिशन पार करने पर। हमको ऐसी बिल्डिंग के पास जाना है, वो भी रैंप से, बिल्डिंग के ऊपर ही मिलेगा हमको वो सूटकेस के अंदर एक रिमोट रखा होगा। गाइस अपने टमटम को उठाकर चलते हैं सीधे रैंप की तरफ, जिस रैंप का मिशन हम कंप्लीट करने आ रहे हैं। गाइस वो रैंप बहुत ही बड़ा है, गाइस वो बहुत ही लंबा है, हमारे शहर का सबसे बड़ा रैंप है वो। गाइस बिल्डिंग के ऊपर हमको एक सूटकेस मिलेगा, और हमको उस सूटकेस से मिलेगा एक रिमोट, हमको उस रिमोट का बस रेड बटन दबाना है। तो गाइस पहुंच गए बात करते करते रैंप वाली जगह पर। गाइस हमारा रैंप तो भाई सामने है भाई, वो बहुत बड़ा रैंप है भाई, पहले हमको वहां से कूदना है। गाइस नीचे गिरोगे तो हमारी टमटम बाइक भी टूट सकती है, और हमारी भी चोट लग सकती है। हमारे बाइक के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं भाई, पता नहीं क्या होगा, इसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, बहुत देर में काम कर रहे हैं। गाइस हमारा जो रैंप है गाइस वो रहा सामने, गाइस बाइक से उतर कर दिखाते हैं गाइस हम आपको। भाई आप देख सकते हो ये कितना बड़ा रैंप है गाइस, सामने वाला आपको जो बिल्डिंग दिख रहा है ना गाइस, उसी के ऊपर हमको मिलेगा एक सूटकेस। गाइस बिना देरी के चलते हैं अपनी बाइक के पास, एंड गाइस अपनी बाइक को उड़ाते हैं भाई, वहीं पर चलते हैं। गाइस हमारे पास एक स्प्लेंडर भी है गाइस, हम उसको भी लेकर आ सकते थे, बट गाइस हमको पता नहीं था गाइस ये रैंप इतना खतरनाक होगा। भाई चलते हैं भाई, थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, क्योंकि गाइस बीच में कट है भाई, बीच में कट से गिर भी सकते हैं। गाइस हम भाई यहाँ पर तो आ चुके हैं, गाइस हम दूसरे रैंप पर पहुंचने वाले हैं, बट भाई नीचे गिर गए यार हमारी बाइक भाई, इतनी तेज क्यों भागती है भाई, इससे बढ़िया तो स्प्लेंडर लेकर आ जाते। चाहे हमारा राउंड 2 भाई, जल्दी से चलते हैं ऊपर की तरफ। गाइस इस बार हम अपने टमटम को भाई बहुत स्लो चला रहे हैं, क्योंकि
गाइस पिछले बार हम बहुत तेज गए थे तो हम नीचे गिर गए थे एंड गाइस भाई फाइनली पहुंच चुके हैं। और गाइस हम अपने टमटम को बहुत स्लोली स्लोली लेकर जाएंगे क्योंकि गाइस यहां पर रास्ता बहुत वो है गाइस। गाइस मतलब ये रास्ता जो है ना ये बहुत खतरनाक रास्ता है गाइस, यहां से गिर गए तो भाई बचने की भाई चांस भी नहीं है गाइस। और भाई वैसे भी ये जो रैंप है भाई ये बहुत बड़ा रैंप है गाइस ये, तो भाई अभी हम जा रहे हैं भाई सीधे सीधे क्योंकि गाइस सीधे सीधे रास्ता भाई वहां पर सामने बिल्डिंग आ चुकी है जहाँ बहुत पास है सारे बिल्डिंग। फाइनली गाइस बहुत ही मुश्किल के बाद हम पहुंच चुके हैं ऊपर एंड गाइस हमारे सामने है सूटकेस। गाइस आपको सूटकेस में वो रिमोट तो दिख ही रहा होगा भाई, उसी रिमोट के एक बटन से हम बन सकते हैं टीवी मैन और हगी वगी को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमको इस रिमोट का बीच वाला बटन दबाना पड़ेगा। बट भाई मेरे को एक बात का डर लग रहा है कि गाइस हम पूरी जिंदगी के लिए टीवी मैन ना बन जाएं। भाई ये बात तो हमने सिंचन से पूछी ही नहीं। बट गाइस अब क्या करें भाई, इतनी मेहनत से ऊपर आए तो गाइस अब तो इसका बटन दबाने पड़ेगा। लेट्स गो दबाते हैं इस रिमोट का बटन। गाइस रिमोट का बटन दबाते भाई ये क्या हो रहा है भाई, भाई मेरे को ये क्या होने लगा है, मेरे को थोड़े चक्कर से आना भाई मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो गाइस भाई मैं बन चुका हूँ टीवी में और अब मैं हगी वगी को खत्म करने वाला हूँ। गाइस रात को हगी वगी ने मेरे को बहुत भगाया था तो गाइस उसको ढूंढते हैं और भाई आज हम उसको ऐसा खत्म कर देंगे कि गाइस आज के बाद हमको दिखे ही नहीं। गाइस मर जाएगा तो कहाँ से दिख जाएगा। तो गाइस अब मिल चुका है हगी वगी एंड गाइस अब तो होने वाली है सीरियस फाइट, तो भाई अभी हमारे पास आएगा एंड भाई देखो हमारे घूसा मार रहा है भाई, हम इसको मार देंगे भाई एक लात मारेंगे। भाई मैंने एक लात में हगी वगी को खत्म कर दिया।